सीएम मनोहर लाल का करनाल का दौरा है। एनडीआरआई करनाल में आयोजित पशुधन प्रदर्शनी में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सीएम के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहेंगे। आज पशुधन प्रदर्शनी का दूसरा दिन है और इस दौरान चर्चा का विषय ये रहेगा कि हरियाणा में किसानों के लिए पशु भी एक धन के समान है। खेती के साथ साथ पशुओं का पालन भी हरियाणा में काफी महत्व रखता है। ऐसे में पशुओं की जो नस्ल है उसमें कैसे सुधार किया जाए, साथ ही किसानों को क्या कुछ लाभ पशुधन को फायदा पहुंचाने से मिल सकते हैं, इसी खबर पर हमारे साथ हिमांशु नारंग हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, INDRI की अहम इस प्रदर्शनी को इसलिए करार दिया जा रहा है क्योंकि पशुधन को हरियाणा में सरकार बढ़ावा देना चाहती है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इन प्रदर्शनियों को? की तो 3 जून बरनाल के NDRI में आयोजित किया गया है। कल इसका उद्घाटन किया था, जो गुजरात के राज्यपाल हैं वो पहुंचे थे और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे थे और आज तकरीबन 12:30 बजे के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और एक खास बात और मिलेगी, जो है वो पशुओं का फैशन शो भी होगा जिसमें तमाम जो बुल हैं वो हिस्सा लेंगे, घोड़े हिस्सा लेंगे, तो ये तमाम देखने को मिलेंगी। और पूरे हरियाणा की सरकारी बसों के अंदर, रोडवेज की बसों के अंदर किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उन्हें प्रदर्शनी के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरह से पशुओं को पालना चाहिए, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पशुधन को लेकर सरकार काफी सजग प्रयास कर रही है कि इस तरह पशु भी है वो हर साल आयोजित किए जाने चाहिए। और इस बार भी करनाल के NDRI में 3 दिन का पशु मेला आयोजित किया गया है और आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे तो वो किसानों को संदेश भी देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं, इनके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल भी करनाल के INDRI पहुंच रहे हैं जहां पर की पशु धन मेले का आयोजन किया गया है। और इस प्रदर्शनी में खास बात आज के दिन के लिहाज से ये है कि पशुओं के लिए इस प्रदर्शनी को लगाया गया है जिसमें कि कई लोग अपने पशुओं को लेकर भी आएंगे।